मैं हूँ मानसी राठौर। कैबिनेट मंत्री मीना सिंह पर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के सरपंच सुरेश सिंह ने 10 वर्षों से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वही पीड़ित ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की। मध्य प्रदेश में राजनीतिक सियासी उलटफेर के बाद सत्ता में आई भाजपा सरकार और उसमें सबसे पहले बनाई गई कैबिनेट मंत्री मीना सिंह पर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के करुंदी टोला के सरपंच ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। क्षेत्र के विधायक और सरकार की अजाक मंत्री मीना सिंह पर ग्राम पंचायत करुंदी टोला के सरपंच सुरेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उल्लेख किया है कि उसे बीते 10 वर्षों से निजी स्वार्थों के कारण मानपुर विधानसभा की विधायक और वर्तमान में मंत्री सुश्री मीना सिंह द्वारा कुछ आदिवासियों से अनावश्यक और झूठी शिकायत कराकर उनकी प्रतिष्ठा पर आघात कर बदनाम किया है। मध्य प्रदेश की अजाक मंत्री से लगातार प्रताड़ित होने से अब सुरेश सिंह ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। वर्तमान मध्य प्रदेश शासन की मंत्री सुश्री मीना सिंह, इन दोनों लगातार मुझे लगभग 10 वर्ष से किसी न किसी बहाने परेशान कर रही है। वर्तमान में कुछ अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के माध्यम से मेरी कुछ पट्टे की आराजी जबरदस्ती जुतवाली गई है और मैं इनके कृत्य से काफ़ी आहत हूं और आज ही मैंने कलेक्टर महोदय को इच्छा मृत्यु की अनुमति के लिए ज्ञापन भी दिया है तथा कहा है कि यदि 1 माह के अंदर यदि मुझे अनुमति नहीं मिली तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सपरिवार कलेक्ट्रेट में आत्मदाह कर लूंगा। मुझ प्रार्थी सुरेश कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पर वन भूमि की करौंदी टोला दमना बड़ार हिरोली बिजोरी भमरहा मंझोली कुदरी में कब्जा करने की झूठी शिकायत कराकर मेरे राजनीतिक भविष्य को खराब कर रही हैं, जबकि उक्त शिकायत की जाँच वन परिक्षेत्र अधिकारी मानपुर एवं उप संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व द्वारा प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सुरेश कुमार सिंह द्वारा कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है। बावजूद इसके मुझे परेशान किया जा रहा है। पीड़ित सुरेश कुमार सिंह ने कहा कि अगर उसे इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं मिलती तो वह विधायक की प्रताड़ना से तंग आकर 2 अक्टूबर को जिला कार्यालय उमरिया के सामने आत्मदाह कर लेगा।